Shant, if you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress of Hearts, please. Shant, if you want to connect and want to give a message, give me King of Flying Colors. Flying Colors. हाँ पहन लो बेटा, गिरते हैं ये तो मत पहनो. वी हैव एम्प्रेस, सो वी हैव अ मैसेज. और फ्लाइंग कलर्स बोला मैंने, फ्लाइंग कार्ड्स बोला मैंने, लेकिन यहाँ पर फ्लाइंग मैसेजेस लग रहे हैं मुझे. सो आज का दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ कंप्लीशन तक जाएगी, या किसी चीज़ को लेकर कोई बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशन आएगी. दिस कैन बी रिलेटेड टू पावर, अथॉरिटी और अ फीमेल. ठीक है, लेट्स सी व्हाट ही इज सेइंग एंड व्हाट ही इज इंडिकेटिंग. सो let me just see once what is Sushant indicating. So let's see, Sushant, what is this queen of, what is this nine of pentacle about? Kyunki empress to unhone hame connectivity ka diya. What is this nine of pentacle about? Nine of pentacle is 10 of shells, 10 of cups. This is family. Aur hippo family hai, if you see. To mujhe yahan par jo energy nazar aa rahi hai with these two three cards which Sushant is giving is like a set of people coming out. Matlab maine bola ki kisi ke kyunki yahan par family ki energy bhi hai. Jo shells hote hain wo family hoti hai, aur jo hippopotamus hota hai wo ek energy deta hai jahan par आप पावरफुल हो, आप प्लेफुल हो, आप स्ट्रांग हो, लेकिन जब आप गुस्से में हो तो आप बहुत डेंजरस भी हो. तो दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पर समबडी इन पावर एंड दिस कुड बी इन अ गुड वे, जहाँ पर वो अपना सॉफ्ट साइड जो है वो दिखा रहे हैं. और इट डज़ नॉट मीन दैट इफ दे आर शोइंग द सॉफ्ट साइड दे डोंट हैव अ हैव पावर और हैव अथॉरिटी टू समथिंग एल्स. दूसरा मुझे यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आ रही है. यहाँ पर देर इज अ फैमिली इफ यू सी, एंड देर इज अ हिप्पो दैट इज कमिंग फ्रॉम योर. और अगर आप देखें तो बाहर का जब एनिमल आता है तो उसमें फाइट होती है, एंड हुएवर विंस कीप्स द फैमिली, ऐसा ही होता है, राइट? सो मुझे यहाँ पर एक फाइट की एनर्जी और एक चैलेंज की एनर्जी दिखाई दे रही है. बट ही सेइंग दैट जो भी आज का दिन गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली इट इज पावर अथॉरिटी गवर्नमेंट, जो भी चैलेंज करेगा, वेरी स्ट्रांग चांसेस एट एज द राइट वन इज गोइंग टू विन, बट समबडी इज गोइंग टू चैलेंज. ये तो मुझे डेफिनेट दिखाई दे रहा है कि कोई किसी के कंफर्ट जोन में, कोई किसी के फैमिली पे अटैक करे, कोई किसी की फैमिली एनर्जी के बीच में आए, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है. एंड इफ यू सी कार्ड्स हियर भी जस्टिस की एनर्जी आई है. एलिफेंट जस्टिस है, जैगवार एट ऑफ वॉन्ड्स है विच इज कम्युनिकेशन मैसेजेस, नाइन ऑफ ब्रांचेस जो कि एक्चुअली लिंक्स है, और वो बैठ के वेट कर रहा है कि कब उसको झपटना है या कब उसको एक्शन लेना है. एंड द टू कार्ड्स हियर इज वुल्फ एंड देन देर इज फॉक्स. वुल्फ बहुत स्ट्रांग होता है, उसको पता होता है कि कब क्या एक्शन लेना है. वो पैक्ट के साथ भी चलता है, अकेला भी चलता है. वेरेस जो फॉक्स होती है वो बहुत चलाक होती है, वो चलाकी से एक्शन लेती है. लेकिन कितने भी आप चलाक हों, अगर आप वुल्फ के सामने आ जाओगे तो फिर काम खराब हो जाएगा, राइट? सो मुझे लगता है कि कोई चलाकी करने की कोशिश करेगा, कोई अटैक करने की या किसी तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है. बट सुशांत इज सेइंग कि अगर कोई भी मैनिपुलेशन आज होती है, किसी भी तरह से कोई चीज़ों को, सिचुएशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, किसी की फैमिली पे अटैक करने की कोशिश करता है, किसी के, और कुछ लोगों के लिए फैमिली लाइक अ नेचुरल फैमिली, राइट? कुछ लोगों के लिए फैमिली उनका काम होता है, उनके वर्कर्स होते हैं, उनके एसोसिएट्स होते हैं. तो ये किसी पे भी हो सकता है दोनों की तरह, बिकॉज कोई है जो छुप के बैठा हुआ है और वेट कर रहा है कि कब मैं अटैक करूं. और ये इट इज़ लाइक अ फॉक्स अटैकिंग अ वुल्फ, राइट? और एक फॉक्स वुल्फ को अटैक करेगी तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंस. एंड यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, तो जस्टिस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, ओके? एंड जस्टिस से रिलेटेड कोई, एंड दिस कुड बी अ पर्सन जो हु इज़ अ बेयर ऑफ जस्टिस. सो ये कोर्ट पे किसी तरह का अटैक, किसी जज पे किसी तरह का अटैक, या किसी अथॉरिटी पोजिशन पे किसी तरह का अटैक, दैट्स हाउ आई एम seeing this. Let's see, Sushant, is it or King of Pentacles? Definitely money driven attack. और ये आप दिख ही रहा है 10 of cups फिर से. So let's see क्या होता है, मुझे बताइएगा whenever this happens. But Sushant जो भी messages देते हैं 1, 2, 3, 4 दिन, and then we see those happening. So thank you so much. Take care, bye bye.